भारत में हर दिन कोई ना कोई त्यौहार होता है, लेकिन कुछ त्यौहार ऐसे होते हैं जिनका मजा ही कुछ अलग है। इन्हीं त्यौहारों में से एक है होली। वैसे तो रंगों का त्यौहार होली पूरे भारत में हर जगह बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन ब्रजवासियों के होली मनाने का अपना एक अलग ही अंदाज है। यहाँ पर कहीं फूल की होली, कहीं रंग गुलाल की, कहीं लड्डू तो कहीं लठमार होली होती है। बरसाने में मनाई जाने वाली लठमार होली अपने अनूठे अंदाज के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यूं तो ब्रज की होली देखने के लिए लोग दुनिया के कोने कोने से आते हैं, यहां पर लठमार होली भी बड़ी मशहूर है। मथुरा, वृंदावन और बरसाने में 8 दिन पहले से ही होली शुरू हो जाती है। पहले दिन लड्डू मार होली होती है, दूसरे दिन लठमार होली। बरसाने की हुरियारिनों और नंदगांव के हुरियारों के बीच लठमार होली का आयोजन होता है। पुरुषों को हुरियारे और महिलाओं को हुरियारिन कहा जाता है। होली का असली मजा तो तब आता है जब चटक रंग के लहंगे पहनकर लंबे घूंघट में महिलाएं पुरुषों पर लाठियां बरसाती हैं। आइए जानते हैं आखिर कैसे शुरू हुई लठमार होली खेलने की शुरुआत। नंदगांव में जब पुरुषों की टोलियां पिचकारियां लेकर बरसाने की महिलाओं को भिगोने पहुंचती हैं, तो वहां की महिलाएं उन पर खूब लाठियां बरसाती हैं। पुरुषों को इन लाठियों से बचना होता है और साथ ही महिलाओं को रंगों से भिगोना होता है। लठमार होली फागुन मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाई जाती है। माना जाता है कि लठमार होली खेलने की शुरुआत भगवान कृष्ण और राधा के समय से हुई थी। हिंदू मान्यता के अनुसार कृष्ण अपने मित्रों के साथ होली खेलने बरसाने जाया करते थे, लेकिन राधा और उनकी सखियों के साथ ठिठोली करने की वजह से राधा उनसे नाराज होकर अपनी सभी सखियों के साथ मिलकर ग्वालों पर डंडे बरसाया करती थी। उनके लाठियों के वार से बचने के लिए कृष्ण और उनके दोस्त ढालों और लाठी का इस्तेमाल करते थे। वक्त के साथ होली खेलने का यह तरीका धीरे धीरे परंपरा बन गया। इस होली को देखने के लिए बड़ी संख्या में देश विदेश से लोग बरसाना आते हैं। होली खेलने के लिए पहले दिन वृंदावन के लोग बरसाने की महिलाओं के साथ होली खेलने आते हैं। इसके बाद अगले ही दिन बरसाना के पुरुष वृंदावन की महिलाओं के संग होली खेलते हैं। ये होली बरसाना और वृंदावन के मंदिरों में खेली जाती है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि होली में हिस्सा लेने वाली ये महिलाएं अपने गांव के लड़कों के साथ भी इसी तरह होली खेलती हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये औरतें अपने गांवों के पुरुषों पर लाठियां नहीं बरसाती। नंदगांव और बरसाने के लोगों का विश्वास है कि होली में लाठियों से किसी को चोट नहीं लगती। अगर चोट लग भी जाए तो वो उन घावों पर मिट्टी मलकर फिर से होली खेलने लगते हैं। ये बरसाने की होली है जो पूरी दुनिया में मशहूर है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।